जुल्फकार अली भुट्टो को सबसे पहले झूठे केस के अंदर उनको लटका दिया गया। पाकिस्तान के अपने ही लोग इसके अंदर मुलव्वस थे। फैसल साहब को मरवा दिया गया। उसके बाद 2011 की बात है जनाब, ये जब रैब स्प्रिंग आता है तो मुअम्मर कज़ाफी साहब जो है इनको गलियों में भगाया जाता है और इनको इनके अपने ही लोग जो हैं वो ईंटें मार मार के गोलियां मार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑन द अफ्रीका। प्रीवियस जो लेक्चर हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर, उसमें हमने एशिया को कवर किया और कंट्रीज़ की हिस्ट्रीज वगैरह भी साथ में देखी थी। अब हम जिस चीज़ को कवर करेंगे इंशाल्लाह वो क्या होगा, डेट इज़ अ अफ्रीका। पहली बात ये कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जब भी इस कॉन्टिनेंट के बारे में बात की जाती है तो मोस्टली लोगों के जो विचार हैं वो इसके बारे में काफ़ी अजीब से रहते हैं। उसकी दो तीन रीजंस भी हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब भी अफ्रीका की बात आती है तो हमारे जहन में पहली चीज़ आती है गरीब गुरबत होने की। यार गरीबी गुरबी वहाँ पे कोई नहीं है, सिंपल सीधी सी बात है। दिक्कत ये है कि मैनेजमेंट में मसला है। जैसे आजकल की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम के कारण गुरबत के अंदर आप लोग फंसे हुए हैं, यही हालात जो है वो अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रीवियस कुछ ईयर्स में रहे हैं, जिसका खमियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। खैर अफ्रीका के बारे में अगर बात करें तो जाहिर सी बात है मैप ना बनाए मैप के बगैर तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। देखिए सबसे बड़े अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आएगा हमारे पास नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, राइट। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पहला पॉइंट हमें मिल गया कि सेकंड जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उस सेकंड बड़े कॉन्टिनेंट को क्या नाम देंगे, डेट इज नोन एज अ, उसको हम नाम देंगे अफ्रीका का। एक दौर था जब अफ्रीका के ऊपर मुस्लिम लोग जो थे वो हुकूमत करते थे, उसके बारे में भी बताएंगे कौन कौन सी डायनेस्टीज जो हैं वो रोल यहाँ पे करके गुजरे हैं। और उसके बाद ये जानिए कि अफ्रीका जो है इसको अगर हम बात करें तो इसको मदर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ मदर कॉन्टिनेंट। इसको मदर कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि भाई ये कॉन्टिनेंट के अंदर ना जो पहली अगर हम बात करते हैं कि ट्रेसिस ऑफ द ह्यूमन बींग्स के, ह्यूमन बींग के जो ट्रेसिस हैं वो सबसे पहले पुराने आपको कहाँ पे मिलते हैं, तो सबसे पहली जो मदर ऑफ आप कह लें कि आपके जो नानी अम्मा है या दादी अम्मा कह लें तो उसका नाम है जी लूसी। लूसी की अगर बात करें तो लूसी जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं कि मदर कॉन्टिनेंट, या फिर सबसे पुराना जो इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है हमारे पास, डेट इज़ अ अफ्रीका। तो अफ्रीका के बारे में ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि अफ्रीका ये वाहद कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फीयर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑल हेमिस्फीयर या चार हेमिस्फीयर्स जो हैं उन तमाम हेमिस्फीयर्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस मैप में गौर से देखिए, इस साइड के ऊपर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, यहाँ पर है नॉर्थ, यहाँ पर है साउथ, ठीक हो गया। अब बच्चे अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका यहाँ से अगर डिवीजन करें, जो कि अगर हम ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को सेपरेट करते हैं तो ये देखें अफ्रीका का कुछ हिस्सा जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, कुछ वेस्टर्न में आ रहा है। अगेन अगर इसको डिवाइड किया जाए इस तरह से इक्वेटर के जरिए से, देन अगेन इट इज़ डिवाइडेड इंटू सम पार्ट इज इंक्लूडेड इन द आप ये कह लें कि इसके जो कुछ हिस्सा है वो आपको किस तरह देखने को मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और बाकी हिस्सा जो है वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। यानी कि चारों हेमिस्फीयर जो हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। सो इन चारों हेमिस्फीयर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड आउट द अफ्रीका। तो अफ्रीका जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका का नाम लेते ही एक और चीज़ जहन में आती है, जाहिर सी बात है आपके जहन में भी आई होगी, और वो है अफ्रीका के लोगों की खूबसूरती। हमारे यहाँ यार खूबसूरती किसको समझते हैं, हमारे यहाँ समझते हैं जाहिर सी बात है जो लड़की जो है वो सफ़ेद हो, कलर वगैरह सही है, तो हम लोग कहते हैं कि दैट्स वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल, है ना। लेकिन अफ्रीका के अंदर जो मोटी मोटी लड़कियाँ रहती हैं, काला उनका कलर होता है और मोटे मोटे उनके जो लिप्स होते हैं, बूल होते हैं, सही है, होंठ होते हैं, तो वो बड़ी खूबसूरती के अलावा समझाता है। तो गलती से भी कभी भी अफ्रीका का वीज़ा लगवा के मत चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी ही खूबसूरती देखने को मिलेगी, समझ आ गया। तो ये वहाँ के लोग हैं। अब वहाँ के लोग जो हैं वो इतने काले क्यों हैं, उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर जो है वो कहाँ से गुजर है, इक्वेटर गुजरा है जी अफ्रीका से। इक्वेटर कहाँ से गुजरा है, अफ्रीका से गुजरा है। तो इक्वेटर के ऊपर जो सनलाइट होती है ना
वो डायरेक्टली आके गिर रही होती है। तो सनलाइट डायरेक्टली फॉल कहाँ पर हो रही होती है, वो सनलाइट इक्वेटर के ऊपर आके फॉल होती है। इक्वेटर के ऊपर फॉल होने के कारण वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो जो लोग हैं उन लोगों के अंदर एक पिगमेंट बहुत ज़्यादा बनता है। उस पिगमेंट का नाम क्या होता है, डैड्स नेम इज़ अ मेलानिन। तो मेलानिन उनकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण वो लोग आपको काले काले छुछुंदर टाइप जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जिनकी स्किन के अंदर मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है उनको कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, तो वो लोग सेफ एंड साउंड तो रहते ही रहते हैं। तो वैसे भी टेक्निकली तौर पर वो जिस्मानी तौर पर बड़े ताकतवर होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है, इक्वेटर जो है वो पूरे अफ्रीका से थोड़ी गुजरेगा, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में से गुजर है, तो ये वाली जो साइड्स हैं या फिर ये वाली साइड है कि यहाँ के लोग सफ़ेद नहीं होने चाहिए, यस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अफ्रीका में इक्वेटर गुजरने के साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी मौजूद है। तो ट्रॉपिक ऑफ और सूरज जो होता है वो या तो कहाँ पर रहेगा, इक्वेटर पर रहेगा, या फिर वो कहाँ पर मूव करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, या कहाँ पर मूव करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। और इन तीनों कंडीशन में जो सनलाइट है वो डायरेक्टली तौर पर किसके ऊपर फॉल करेगी, डेट इज फॉलिंग ऑन द अफ्रीका। ड्यू टू इट वी कैन से डैट, हम ये इसी वजह से ये कह सकते हैं कि अफ्रीका के जो लोग हैं वो आपको काले काले देखने को मिलेंगे। इसी वजह से अगर यूरोप वगैरह के देख लो तो यूरोप वगैरह इधर आपको देखने को मिलेगा, तो यूरोप के जो लोग होते हैं ये नॉर्थ अमेरिका वगैरह के, तो वहाँ पर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली नहीं गिरती, तिरछी गिरती है, तो इसी वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं वो आपको जिल्द कलर जो है वो सफ़ेद देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि अफ्रीका जो है वो यहाँ से यूरोप के साथ सेपरेट है। देखिए डेट इज़ अफ्रीका, तो अफ्रीका का एक रफ सा मैप आपके सामने मैंने यहाँ पे बिल्डअप कर दिया, ठीक है जी। अफ्रीका और यहाँ पर क्या है, यूरोप। अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक रास्ता है जो इसको सेपरेट करती है। अफ्रीका से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, वो रास्ता जो इसको सेपरेट करेगा उसको नाम देंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या नाम देंगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये इसको कंट्रोल कौन करता है, डेट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश, जो बरतानिया है ब्रिटिश जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन यही वो स्ट्रेट है जो सेपरेट करती है अफ्रीका को किसके साथ, यूरोप के साथ। तो अफ्रीका को यूरोप के साथ सेपरेट करने के लिए, इसी तरह से एक हमसे कुछ पूछा जा सकता है कि जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर आपको किस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, तो वो भी आपने कहना है कि डेट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द मेडागास्कर इन अफ्रीका। मेडागास्कर के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है कि जो इंडिया है, देखें अगर हम कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करें और अगर मैं आपको पेंजिया वगैरह के बारे में बताऊं, तो वो जो इंडिया की जो साउथ वाली साइड है, इंडिया का मैप आप देखते हैं तो इंडिया के मैप में नीचे की तरफ दिक्कन पेनिनसुला है। अभी इंडिया का जो दिक्कन पेनिनसुला है, जो नॉर्दर्न वाली साइड है, ये साइड असल में किसके साथ अटैच थी, दैट इज़ अटैच विद द ये मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो रीजन है इसी के साथ जो इंडिया का साउथ वाली साइड है वो यहीं से अटैच थी, और यहीं से वो अटैच होने के बाद सेपरेट हुई, और सेपरेट होने के बाद जहाँ वहाँ पर जाके अटैच हो गई। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके साथ मेडागास्कर के साथ कहाँ पर मौजूद है और मेडागास्कर के साथ कौन सा रीजन अटैच था। फिर उसके बाद एक बड़ा फेमस वो ये है कि बाबल मंदिर, बाबल मंदिर कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी आपने कहना है। बाबल मंदिर जो है, बाब अल मंदिर ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, डेट इज़ आल्सो फाउंड इन अफ्रीका। तो अफ्रीका के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पॉइंट आने चाहिए। देखें अगर हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं, तो अर्थ सरफेस का जो 6% हिस्सा है, ये आप बेसिकली नाम याद करो, कोई मसले वाली बात है नहीं। अर्थ सरफेस का जो 6% हिस्सा है वो अफ्रीका के अंदर आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लैंड के बारे में, यानी कि सरफेस में लैंड भी आती है तो वाटर वाला एरिया भी आते हैं, तो अगर लैंड की बात करें तो 20% जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया का 20% जो हिस्सा है वो भी कौन करेगा, अफ्रीका कवर करता है। समझ में आ गई बात। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन के बारे में, दुनिया की पॉपुलेशन का कितने परसेंट हिस्सा ये कवर करता है। दुनिया की पॉपुलेशन का तकरीबन 14% हिस्सा जो है वो ये कवर करेगा अफ्रीका। इज इट क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब इसके अंदर कितनी स्टेट्स हैं, 54 इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट स्टेट्स, फॉरन सॉवरन स्टेट्स देखने को मिलेंगी। और ये जितनी भी स्टेट्स हैं इनमें से मोस्टली स्टेट्स जो हैं उनके ऊपर कब्जा रहा है यूरोपियन जो पावर्स रही हैं, जैसे कि इटली वगैरह हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। उनका जो कब्जा है वो अफ्रीका के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अफ्रीका के सबसे बड़े कंट्री की बात करें तो अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री जो है डेट इज़ अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, अल्जीरिया। अफ्रीका के सबसे छोटे कंट्री की अगर बात करें तो डेट इज़ सिचिल्स। तो सिचिल्स इज़ द स्मॉलेस्ट एंड अल्जीरिया इज़ द लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, अल्जीरिया। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सिचिल्स। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो जिसके अंदर पाई जाती है डैट्स नेम इज़ अ नाइजीरिया। तो नाइजीरिया, नाइजर के साथ इसको आपने कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप इसके बारे में क्या याद रखेंगे, नाइजीरिया। अफ्रीका
अफ्रीका इज वेरी फेमस फॉर अ डेजर्ट एंड दिस वन इज नोन एज अ सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट दुनिया का अगर सबसे बड़े डेजर्ट की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? बिल्कुल गलत, सहारा नहीं है, एंटार्कटिका। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा होता है? एंटार्कटिका। अच्छा एंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट क्यों है, रीजन बता देते हैं। देखिए रीजन ये है कि डेजर्ट किसी ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर कोई भी लिविंग चीज जो है वो मौजूद ना हो, और एंटार्कटिका जहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही मौजूद है तो वहां पर क्या कोई और चीज मौजूद हो सकती है? नहीं हो सकती। इसी वजह से सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है? एंटार्कटिका है। अच्छा ठीक है, दूसरे बड़े डेजर्ट का नाम बताओ। कम ऑन हाँ नहीं गलत, दूसरे बड़े डेजर्ट का नाम सहारा नहीं है, दूसरे बड़े डेजर्ट का नाम क्या है? आर्कटिक डेजर्ट। और तीसरे बड़े डेजर्ट का नाम बताओ। यस, इस बार आप ठीक हो, तीसरे बड़े डेजर्ट का नाम क्या है? सहारा डेजर्ट। समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, दुनिया का फर्स्ट या दुनिया का सबसे बड़ा हॉटेस्ट डेजर्ट, अगर हॉटेस्ट डेजर्ट में पूछा जाए तो सबसे बड़ा दुनिया का जो डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा डेट इज अ सहारा डेजर्ट। तो ये चीज़ आपने याद रखी है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो आपको याद रखना है डेजर्ट दुनिया कहेंगे डेट इज अ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। और उसके बाद पांचवा डेट इज अ अरेबियन डेजर्ट, जो कि मोस्टली आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा। तो अरेबियन डेजर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आपने डेजर्ट्स के बारे में याद रखना है। ओके, अब अफ्रीका जो है, अफ्रीका ये आपने याद रखना है कि भाई ये अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर मौजूद है। अफ्रीका इज प्रेजेंट ऑन द अफ्रीकन टेक्टोनिक, अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ये आपको देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब अफ्रीका के जरा मैप की तरफ चलते हैं और उसको समझना शुरू करते हैं। अफ्रीका में सबसे, अगर हम इस तरफ थोड़ा सा मैं मैप यहाँ पे बनाऊंगा और आप लोग वहीं से इसको क्लियर अप करिए, ठीक। अफ्रीका में यहाँ पर इस दिशा में ये आ गई जी ईस्ट, ठीक है। इधर वाली साइड पे कौन सी है? ईस्ट। इधर कौन सी आ गई? वेस्ट। यहाँ पर एक कंट्री आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस कंट्री का नाम है जी वेस्टर्न सहारा। डट्स कंट्री नेम इज अ वेस्टर्न सहारा। अब वेस्टर्न सहारा ये वो कंट्री है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सहारा डेजर्ट। लेकिन क्या सिर्फ इसी के अंदर है? नहीं जनाब, नहीं, इसके अंदर नहीं है, बाकी और भी कंट्रीज हैं उनके अंदर भी आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। तो वेस्टर्न सहारा यहाँ पर है। अब वेस्टर्न सहारा के ऊपर एक कंट्री है मराकश। मराकश अभी अगर हम बात करें तो मराकश के अंदर अभी जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक जलजिला भी आया था, और इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल सेट की ह्यूमैनिटी की, डेट इज़ बाय द क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो साहब जब मैच वगैरह हारे वर्ल्ड कप से बाहर हुए, ठीक है, तो मराकश के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तोई लानत किया उनको, ठीक है जी, यूर ख़त्म हो गया भाई, रोनाल्डो फारग हो गया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर बेसिकली जलजिला वगैरह आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक के कारण बहुत सारे लोगों को शेल्टर ही नहीं मिल पा रहा था। तो यार देखे, चेक करिए, उस बंदे ने ना सिर्फ अपने कंडोलसेंस के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया, बल्कि उसने अपना जो होटल था उसको शेल्टर में चेंज कर दिया। सो इसको कहते हैं जी बड़े लोग जो होते हैं वो बड़े स्टेप लेते हैं, तो बड़ी ताकत के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी आती है। बड़ा फेमस डायलॉग है यार स्पाइडरमैन फिल्म का, तो ये बात वैसे सच्ची है, बड़ी ताकत के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी आती ही है। यार जिम्मेदारी बड़ी है, अगर आप किसी बड़ी प्लेस के ऊपर हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर जिम्मेदारी तो बड़ी रहेगी, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है, बस मजे करिए, ठीक है जी। तो वेस्टर्न सहारा यहाँ पर मौजूद है, वेस्टर्न सहारा के ऊपर मौजूद है जी मराकश। क्या मौजूद है? मराकश। मराकश बड़ा खबीस लोग हैं। मराकश कहते क्या हैं? देखिए मराकश का कहना ये है कि ये जो वेस्टर्न सहारा है ना, ये हमारा ही है। वेस्टर्न सहारा कोई है ही नहीं, कंट्री देश है ही नहीं, ये पागल लोग जो हैं, ये बगलोल किस्म के, ये इसको कंट्री ही नहीं मानते, ये कहते हैं जी ये किसका है जी, ये हमारे हैं। समझ में आ गया? तो वेस्टर्न सहारा, उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया? मोरक्को। मैंने कहा था अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। बहुत सारे लोग जो है ना आज के दौर में, ये अफ्रीका से, एशिया से, स्पेशली पाकिस्तान से, बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, और यहाँ तक ख्वाहिशमंद रहते हैं कि वो मेडिट्रेनियन सी को पार करके उस तरफ जाने के लिए वो बेताब रहते हैं। अब ये करते कैसे? देखिए अफ्रीका से बहुत सारे लोग जो हैं, यहाँ पर एक आइलैंड है, इनको कहते हैं कैनरी आइलैंड्स। तो ये कैनरी आइलैंड्स यहाँ से इसके रास्ते से होते होते कहाँ पर एंटर हो जाते हैं? दे फाइनली एंटर इन टू द यूरोप। लेकिन मैं कहूँगा कि एक यार बहुत ही गलत तरीका है। अब दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, जहाँ पर भी हैं, कोशिश करें कि आप वहीं पर ही काम करिए। और ये कैनरी आइलैंड जो है भाई, ये बिलोंग्स किससे? इसकी बिलोंगिंग किसके साथ है? डेट इज़ आल्सो बिलोंगिंग टू द वेस्टर्न सहारा। ये वेस्टर्न सहारा में ही
बिलोंग्स किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इब्ने बतूता के बारे में, तो इब्ने बतूता जिसने बड़ा लंबा ज़्यादा तकरीबन कहा जाता है कि तकरीबन जनाब इब्ने बतूता साहब ने 7,000 किलोमीटर जो है इन्होंने सफ़र तय किया था, ट्रैवल किया था। इब्ने बतूता ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, दे आल्सो कम्स फ्राम द मराकश, ये मराकश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक दुनिया का सबसे फेमस ट्रैवल वीलॉग भी लिखा है, फेमस ट्रैवल लॉग्स लिखे हैं इन्होंने। अब उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, दी रहला जो है ये एक फेमस आप कह लें कि इसका ट्रैवल वीलॉग है जो इन्होंने लिखा है, डेट इज़ बाय द याद रखेगा इब्ने बतूता। इब्ने बतूता कहा ये इब्ने बतूता के बारे में कहा यह जाता है कि ये जब पहुंचा था इस इंडिया में तो यहाँ पर बेसिकली दिल्ली सल्तनत थी, और दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी थी, ठीक है, जिस स्लेव डायनेस्टी के बाद, और तुगलक डायनेस्टी में इसकी जो मुलाकात होती है वो होती है जी मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है जनाब इसको अपॉइंट कर देते हैं ऐसा जज के तौर के ऊपर। उस वक्त जज तो नहीं होते थे, उस वक्त क्या होता था, इस वक्त होते थे जनाब काजी। तो काजी इनको यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक साहब जो है उन्होंने इनको काजी के तौर पर हायर कर दिया था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई वेस्टर्न सहारा और इस साइड के ऊपर अगर देखे गए तो आइबेरियन पेनिनसुला भी देखने को मिलेगा। आइबेरियन पेनिनसुला जहाँ पर आपको स्पेन वगैरह देखने को मिलेगा, स्पेन की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, मड्रिड, क्या नाम है जी, मड्रिड। तो स्पेन हो गया इस साइड के ऊपर और वेस्टर्न सहारा हो गया, इनको आपस में सेपरेट कौन करेगा, तो आपने ये चीज़ याद रखनी, डेट इज़ द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो मैंने यहीं पर बताया था आपको एशिया और यूरोप के बीच में, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है भाई ये इसको क्या करेगी, सेपरेट करने का काम करती है। तो वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, मोरक्को के बाद यहाँ पर आपको जो तीसरा चीज़ देखनी है वो आपके पास कौन सा, डेट इज़ द सबसे बिगेस्ट कंट्री, उसका नाम क्या जी, अल्जीरिया। अल्जीरिया के साइड पे यहाँ पर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगा तुनिशिया के बारे में। तुनिशिया इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हुई इस पूरे वर्ल्ड जियोग्राफी के ऊपर, क्योंकि इसके साथ ना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट लिंक है, इस वजह से इसको मिल गई। अल्जीरिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया के जो कैपिटल है उसका नाम है अल्जेरिस, अल्जेरिस बड़ा आसान सा नाम रहेगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे देखें ना कि ये जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज के देखें जो बॉर्डर है वो बिल्कुल कैसे फ्लैट और सीधे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि ये जो कंट्रीज है ना, इन कंट्रीज के अंदर डेजर्ट मौजूद है बेसिकली, जैसे कि सहारा डेजर्ट है। तो अब डेजर्ट के लिए जाहिर सी बात है कौन लड़ेगा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर का प्रॉब्लम है। अब कश्मीर का प्रॉब्लम काहे कश्मीर का प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको पता है कि कश्मीर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुद्दा है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह के स्टेप्स लेती है। देखिए सबसे पहली बात जो ये है कि वो गवर्नमेंट को चाहिए था कि जब वार 1998 के अंदर जनाब जब अटैक कर दिया गया था इंडिया के ऊपर, आप ही की तरफ से अटैक किया गया, ठीक है, मुशरफ साहब ने जब अटैक कर दिया था तो फिर यार उसको सपोर्ट करते, वहाँ पर आपने जंग बंद करवा दी, चलें ठीक है करवा दी। उस वक्त इंडिया के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन आज की डेट में हालात बहुत तगड़े हैं। तो तगड़े इसलिए हैं क्योंकि उनके रिजर्व बैंक के अंदर $600 बिलियन रिजर्व पड़ा हुआ है जनाब, आपके पास एक टका नहीं है। एक एक बिलियन डॉलर के लिए आप IMF से लोन लेते हैं और इतने हाई बेल आउट लेते हैं कि भाई वो आपका कह लें कि भाई निचोड़ के निकाल लिया जाता है। आज के दौर में बहुत सारे जो आम लोग हैं वो मुश्किल का घिरे हुए हैं, उसका बेसिक कारण भी यही है। तो यहाँ पे देखिए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कश्मीर प्रॉब्लम है वो है ही इस वजह से, क्योंकि उस वैली से बहुत दोनों कंट्रीज को बहुत फायदा हो रहा है। इसी तरह से अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आपको डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे। डिस्प्यूट इज प्रेजेंट बिटवीन चाइना एंड द फार्मोसा, चाइना और ताइवान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। इसी तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान में डिस्प्यूट है नगोर्ना काराबाख को लेके। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी, मिडल ईस्ट की, मिडल ईस्ट के अंदर आपको पता है कि कुर्दिस्तान को लेके बहुत डिस्प्यूट है। इंडिया के अंदर खालिस्तान को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है। दूसरी इंडिया की दूसरी साइड के नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ देखें तो मणिपुर डिस्प्यूट आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से तैमूर लिस्ट की बात करते हैं तो इंडोनेशिया का उसके साथ है, म्यांमार के अंदर को हुआ हुआ है, वहाँ पे सिविल वार चल रहा है। इसी तरह से अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी यही सीन आपको देखने को मिलेगा, और सेम टू सेम आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में देखने को मिलेगा। सो बताने का टोटल मकसद ये है कि लड़ाई किसी ऐसी ज़मीन के खित्ते के लिए रहती है जहाँ पे कोई ना कोई आप कह लें कि फ़ायदे की चीज़ हो। अब यहाँ पर डेजर्ट से क्या फ़ायदा होना किसी को, इसलिए इनके जो बॉर्डर है उसको लेकर किसी भी कंट्री के दरमियान में डिस्प्यूट नहीं रहता, सीधे सीधे इनके डेजर्ट रहते हैं।
तो अल्जीरिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है। इसकी कैपिटल का नाम क्या बताए थे? अल्जारिस बताए थे। बॉर्डर इनके बिल्कुल सीधे रहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर लें पॉपुलेशन, सो बाय पॉपुलेशन सबसे बड़े कंट्री का नाम क्या रहेगा? डेट इज़ नाइजीरिया। अल्जीरिया के बिल्कुल साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंट्री, उसका नाम क्या जी? तुनिशिया। अल्जीरिया जो है ना, इसका बॉर्डर जो है अल्जीरिया और तुनिशिया का, ये शेयर होता है मेडिट्रेनियन सी से, ठीक है जी, मेडिट्रेनियन सी के साथ। तुनिशिया का जो कैपिटल है, तुनिशिया का कैपिटल है जी ट्यूनिस। ट्यूनिस, वाओ कितना आसान है यार, तुनिशिया, ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्जारिस, राइट। तो यहाँ पे फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से भाई एक अरब स्प्रिंग जो है, अरब क्रांति जो है वो कहाँ से शुरू हुई है? तुनिशिया से शुरू हुई है। समझ में आ गई बात? अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अब इसको अरब स्प्रिंग क्यों कहते हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो अफ्रीका पढ़ा रहे हैं, तो आपको अरब थोड़ी पढ़ा रहे हैं, राइट, मिडल ईस्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अफ्रीका के अंदर जो ये वाले कंट्रीज हैं या मोस्टली कंट्रीज जो हैं, यार थोड़ी जमाइयाँ आ रही हैं, उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी रात हो चुकी है, तकरीबन 2:30 का टाइम हो चुका है। तो वेल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको करवा सकूँ यार, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, तुनिशिया की बात कर रहे थे, तो तुनिशिया का हम बता रहे थे कि आपको इसको अरब स्प्रिंग को कहते हैं। अरब स्प्रिंग यार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दिक्कत यह है कि इन कंट्रीज़ के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? अरबियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसी वजह से जो अरब स्प्रिंग है वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि तुनिशिया के अंदर भी आर्मी कू था। तुनिशिया के अंदर भी क्या था जी? आर्मी कू। अब ये आर्मी के लोग जो थे ना, ये बड़े ख़तरनाक किस्म के थे। अब कैसे खतरनाक किस्म के थे? खतरनाक किस्म से इसलिए थे कि भाई इन लोगों ने भत्ता लेते थे, भत्ता समझते हैं, मसलन ये आप कह रहे हैं कि भाई हफ्ते का फिक्स किया होता था या फिर डेली बेसिस के ऊपर लेते थे कि भाई आप जो भी कमाओगे उसमें से इतना हिस्सा जी हमें देना है। तो वहाँ पर एक आदमी था, उस आदमी का नाम था मोहम्मद बोजाज़ई। क्या नाम था जी? मोहम्मद बोजाज़ई। अब मोहम्मद बोजाज़ई साहब जो हैं वो एक दिन बहुत ज़्यादा इनसे तंग आ जाते हैं, और तंग आने के बाद वो क्या करते हैं जी? वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू करते हैं इनके खिलाफ। उस पहले तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप कह लें कि प्रोटेस्ट शुरू करते हैं, आवाज़ें वगैरह लगाते हैं, स्पीचेस वगैरह, ठीक है। और उसके बाद जब इनकी बात नहीं सुनता कोई, तो फाइनली तौर पर ये क्या करते हैं, ये खुद के ऊपर ऑयल पेट्रोल डालते हैं, और पेट्रोल डाल के खुद को क्या कर लेते हैं जी? आग लगा लेते हैं। अब वहाँ के लोग जो हैं वो उजारे से बात है, वो पहले ही इससे तंग आ चुके होते हैं पपेट गवर्नमेंट से और आर्मी कू से। तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत बड़ी जनसंख्या के अंदर जो है वो रोड्स पर निकल आते हैं, और वहाँ से वो शुरू हो जाता है। और जब ये अरब स्प्रिंग जो कि कहाँ से शुरू हुआ है याद रखेंगे, अब तुनिशिया से शुरू होता है। तुनिशिया से शुरू होने के बाद यहाँ पर आगे एक कंट्री आपको देखने को मिलेगा, इस कंट्री का नाम है जी लीबिया। क्या नाम है जी? लीबिया। इस लीबिया के अंदर तकरीबन 42 साल जो सत्ता के ऊपर रहते हैं उनका नाम है जी मुअम्मर कज़ाफी। मुअम्मर कज़ाफी, लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम का पता है ना आपको? तो लाहौर का जो कज़ाफी स्टेडियम है ना वो इन्हीं के नाम से है, मुअम्मर कज़ाफी के नाम से ऊपर। तो मुअम्मर कज़ाफी जो है जनाब, ये भाई साहब ये कहाँ से हैं जी? ये लीबिया से हैं, ठीक है जी। तो लीबिया में मोहम्मद कज़ाफी जो कि तकरीबन 42 साल से पीछे हुकूमत कर रहे होते हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो इनको बाहर निकाल लेते हैं, और बड़े अफसोस की बात है, और इनको मार दिया जाता है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि इसके पीछे जो का जो रीज़न है ना वो और है। रीज़न ये है कि तकरीबन 1970s के अंदर जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब पावर में आते हैं, तकरीबन आलमोस्ट 1974 की बात है, तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ना जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इनके जो मेन मेन लीडर्स होते हैं ना उनको इकट्ठा करते हैं, और उनको कहते हैं कि हम लोग जो वेस्ट के ग़ुलाम बने हुए हैं, क्योंकि आप लोग जो पेट्रोल बेच रहे हो वो वेस्टर्न करेंसी में बेचते हैं, डॉलर में बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को पेट्रोल तो खरीदने और उसके लिए उनको डॉलर लेने पड़ेंगे, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो डॉलर की डिपेंडेंट रहेगी। तो इन्होंने कहा जनाब ऐसा करिए, हम लोग ना अपनी करेंसी बनाते हैं ताकि हम लोग उनके गुलाम ना बने, वो हमारे गुलाम बने। तो अब इसमें कौन था? शाह फैसल मौजूद थे सऊदी अरेबिया से, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब मौजूद थे पाकिस्तान से जो मेन लीडर थे, ठीक है जी। उसके बाद ये लीबिया से कौन थे आपको देखने को मिल जाएगा, जनाब मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब मौजूद थे, ठीक है जी। तो ये लोग जो थे ये वहाँ पे मौजूद थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये है भाई कि अमेरिका को जो पता चला कि यार ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमारा तो इससे डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, तो अमेरिका ने एक एक करके इन सभी नेता को मरवा दिया। किसी को भी उठा के देख लो जिंदा ही नहीं मिलेगा। जुल्फ़कार अली भुट्टो को सबसे पहले देखें कि एक झूठे केस के अंदर उनको लटका दिया गया, पाकिस्तान के अपने ही लोग इसके अंदर मुलव्वस थे। समझ में आ गई ना बात? अच्छा, उसके बाद बात की जाए तो शाह फैसल साहब को मरवा दिया गया। उसके बाद 2011 की बात है जनाब, ये जब अरब स्प्रिंग आता है तो मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब जो हैं इनको गलियों में भगाया जाता है, और इनको इनके अपने ही लोग जो हैं वो ईंटें मार मार के, गोलियां मार मार के मार देते हैं। और बड़े अफसोस की बात है यार, इनका जो मारा जाता है ना तो वो ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाता है, और बहुत सारे जो यूरोपियन लोग हैं
या फिर जो अमेरिकन लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं इसको ऑनलाइन देख के। तो फाइनली तौर पर ये क्रांति जो है ये बेसिकली तुनिशिया से शुरू होके जहाँ जहाँ पे भी यहाँ पर किंग सिस्टम था ये वहाँ वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि किंग सिस्टम के अंदर पावर किसी एक बंदे के पास रहती है और लोग जो होते हैं वो तंग आ चुके होते हैं। तो इसलिए ये क्रांति जो है वहाँ से शुरू होती है और उसके बाद ये कहाँ पर पहुँच जाती है, ये जनाब पहुंच जाती है जनाब लीबिया के अंदर। लीबिया के अंदर मुअम्मर कजाफी साहब जो हैं उन कजाफी साहब को एक तरफ कर दिया जाता है। मुअम्मर कजाफी साहब जो हैं इनको लीबिया से एक तरफ कर दिया गया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जी इजिप्ट के अंदर भी भाई सक्ता जो रहती है वो हुस्नी मुबारक साहब के रहती है, तो हुस्नी मुबारक साहब जो हैं इनको भी फारग कर दिया जाता है। तो हुस्नी मुबारक साहब जो हैं इनको भी क्या कर दिया जाता है, फारग सरदिया कर दिया जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि भाई ये जो अरब स्प्रिंग है ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर गया, कहाँ से कहाँ पर फैलता ही जा रहा है, अब अफ्रीका के बिल्कुल इस साइड के ऊपर यहाँ पर अगर देश देखा जाए तो एशिया का मिडल ईस्ट आता है। एशिया में कौन से आता है, मिडल ईस्ट एशिया आता है, जिसके अंदर आपको 17 कंट्रीज देखने को मिलेंगे। वहीं पे आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया, किंगडम सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको किंग सिस्टम देखने को मिलेगा। और आजकल मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि राजमान है। इसी तरह से अगर देखने को देखा जाए तो यमन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह से ओमान के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यमन, अमान, सऊदी अरेबिया वगैरह इन सब के अंदर आपको इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने देखा कि जनाब ये क्रांति जो है ये फैलती जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं हमारे कंट्री के अंदर भी ना आ जाए। तो इन्होंने लोगों को फैसिलिटेट और भी ज़्यादा फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, तो इसी वजह से जो क्रांति है वो इन कंट्रीज तक पहुंची नहीं। और ये कमजोरी भी है इन कंट्रीज की, देखो सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान या फिर ये जितने भी यूएई वगैरह जो हैं, जो टर्सिकल स्टेट्स थी पहले, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि एक पहले टर्सिकल स्टेट के नाम से जाना जाता था, इन सब की कमजोरी यही है भाई साहब कि अमेरिका इनको कहता है कि जनाब जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक आप पेट्रोल जो है वो डॉलर के अंदर बेचेंगे तब तक ठीक है, जब तक जब भी आप इसको बेचना बंद करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करवा देंगे, हम लोग सिविल वार करवा देंगे, मिलिट्री को करवा देंगे और वहाँ आपके लोग ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो इसलिए ये लोग जो हैं, इन लोगों की मजबूरी रही है जिसकी वजह से, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है बेशक वो दुनिया में ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन वो अपने डिफेंस के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, हमेशा यूनाइटेड स्टेट के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो यही वो कारण है जिसके वजह से ये लोग जो हैं ये आगे बढ़ के कोई इस तरह का स्टेप लेने से हमेशा कतराते रहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लें अल्जीरिया के बारे में, तो अल्जीरिया का ऊपर वाली साइड देखें, अल्जीरिया में देखें ये डेट इज़ अ अल्जीरिया, ये आगे ईस्ट, ये आगे वेस्ट, ऊपर आगे नॉर्थ, नीचे आगे साउथ। तो अल्जीरिया की नॉर्थ वाली साइड के ऊपर भी आपको एक डेजर्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, डेट इज़ अ अल्जीरियन डेजर्ट। तो अल्जीरियन डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अल्जीरियन डेजर्ट। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और डेजर्ट देखने को मिलेगा, डेट इज़ अ सहारा डेजर्ट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि यहाँ पर आपको कौन सा डेजर्ट देखने को मिलेगा, डेट इज़ अ अल्जीरियन डेजर्ट। अल्जीरियन डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट किन किन कंट्री के अंदर आ गया, पहला कंट्री हमने पढ़ा यहाँ पर वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा के बाद दूसरा कौन सा आ गया, मराको, मराकश, मराकश के बाद कौन सा आ गया, अल्जीरिया। अल्जीरिया के बारे में करंट अफेयर में ये याद रख लो कि यार अल्जीरिया के अंदर अभी जो है वो एक आप कह लें कि सैलाब वगैरह आया है, फ्लड आया है, जिसके नतीजे में अल्जीरिया के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। और लीबिया के हालात तो यार पूछे ना, लीबिया के हालात इस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जब तक मुअम्मर कजाफी साहब जो हैं वो यहाँ पे पावर में रहे ना, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में थी, क्योंकि जो यहाँ पर लीबिया है ना, लीबिया के अंदर आपको तेल देखने को मिलेगा, यहाँ पर लीबिया का जो कैपिटल है ना यहाँ पर इस साइड के ऊपर यहाँ पर, तो इस कैपिटल का नाम है त्रिपोली। क्या नाम है जी, त्रिपोली। यहाँ पर आपको जो ऑयल वगैरह है, पेट्रोल है, जो गैसोलीन है, वो यहाँ पर काफ़ी अमाउंट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे मौजूद होने के कारण ना, ये जितना भी एजुकेशन सिस्टम या फिर सब्सिडीज वगैरह ये सारा मुअम्मर कजाफी साहब के कंट्रोल में था। अब जाहिर सी बात है इन लोगों ने मार दिया कि हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हालात बेहतर नहीं हुए, हालात पहले से भी ज़्यादा क्या हो गए, ख़राब हो चुके हैं। और उसका कारण क्या रहा, उसका कारण ये रहा कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम प्रोड्यूस हो गया। पॉलिटिकल वैक्यूम के प्रोड्यूस होने के कारण ये सारा प्रॉब्लम सामने आ गया, मंजरे आम पे आया। तो इसलिए चीज़ आपने याद रखनी है कि लीबिया के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने मुअम्मर कजाफी को अपने ही हाथों से मारा है तो उसका खमियाजा वो लोग आज तक भुगत रहे हैं। सो अफ्रीका में अभी तक हम कितने कंट्री याद किए, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, पांच कंट्रीज के बारे में बताया, वेस्टर्न सहारा मोरक्को। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहला कंट्री याद करो, कम ऑन जल्दी से, वेस्टर्न सहारा के बाद मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, उसके बाद तुनिशिया,
वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, तुनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया. 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 तो पांच कंट्रीज बताए, उल्टा पढ़ो जरा. लीबिया, अल्जीरिया, वेस्टर्न, लीबिया, अल्जीरिया, तुनिशिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, राइट. तो ये आपको पांच कंट्रीज, होप सो आपको याद हो गए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट कंट्रीज जो हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे.